वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने रींगने वाली कोई शय नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जुम्मा करम पे ना हो। उसने अपने जुम्मा करम पे सब कुछ लिया हुआ है। तो अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, ये बंदाए मोमिन की जिंदगी का जमाल है, खूबसूरती है। और मुसीबतों से जान छूट जाती है, सारे मामले उसके सुपुर्द। जब सारी चीजें बंदा अपने जुम्मे रखे कि ये भी मैं करनी है, ये भी मैं करनी है, तो उलझा रहेगा। तो जब अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द, उसने मुझे होमवर्क दिया कि ये कर, घुटना बांध ले, बाकी मेरे सुपुर्द कर दे, काम पे चला जा, बाकी रिस्क तेरा, ये मेरे जुम्मे, बीज डाल दे, उगाना मेरे जुम्मे, पौधा लगा दे, इसको परवान चढ़ाना, इसके ऊपर फल लगाना, उसमें मिठास भरना, उसमें असर की शीरीनी रखनी, उसमें जो है वो बरकतें डालनी, उसके अंदर ताकत तवानाई, ये मेरा काम हुआ। तेरा काम है पौधा लगा और पानी दे दिया कर, रोज बात खत्म हो गई। तेरा काम है बीज डाल, जड़ी बूटियां तलफ कर दिया कर, तेरा काम खत्म हो गया, बाकी काम मेरे हुए। तो जब बंदा उस पे डाल दे अल्लाह अकबर, तो फिर जिंदगी सौखी हो जाती है, मुसीबतों से बंदा छूट जाता है। तवक्कुल जिंदगी का खूबसूरत उसलूब है। तो हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी फरमाते हैं कि तवक्कुल ये है कि ऐसे हो जाओ जिस तरह गसाल के आगे मैयत होती है, तो गसाल उसको जिधर हरकत देता रहे वो उधर हरकत करता रहता है। वो नहीं कहता कि पहले ये धो और पहले ये साफ कर और पहले ये धो, गसाल का काम है, उसे पता है तेरा काम है जिधर वो तेरा रुख पलटे उधर तू पलटता जा। तो कहा तू उसका बंदा है और वो तेरा रब है, तेरी जरूरियात को कैसे पूरा करना है, कौन सी चीजें तुझे देनी है, कौन सी नहीं देनी, कौन सी चीज कब देनी है, ये उसका काम है। इसलिए तू जो उसका हुक्म है उसको पूरा करता रहे एक मुती फरमा बरदार बंदे की तरह, बाकी तेरी जरूरतें उसके जुम्मे करम पे हुई, तेरी जिंदगी सौखी हो, खाम खा अपने आप को मुशक्कत में ना डाल, ये तवक्कुल है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनिए जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फन बगैर हिसाब, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब वो लोग कौन है, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून, ये वो लोग हैं कि जो फूंक झाड़ नहीं करते, ये नाजायज फूंक झाड़, ये वो होता है वो बाबों के पास रश लगा हुआ होता है, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ के फूंके लगा रहे होते हैं, और कुछ लोगों का तो काम ही है उन्हें हर इतवार को जाना ही होता है, इतने मसाइल उनके होते हैं कि बस जान ही नहीं छूटती उनकी। और ऐसे जाहलों के पास, ऐसे नकम्मों के पास कि जो शिरकिया कलेमात पढ़ते हैं, तो फरमाया जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जो नाजायज रुकिया नहीं करते, जो शिरकिया झाड़ फूंक में मुबतला नहीं होते, ना करते हैं ना करवाते हैं, वला ये ततय्यरून और बदशगुनी भी नहीं लेते, बिल्ली रास्ता काट गई तो आज मेरा काम खराब हो गया, आज सुबह फलान नहस मुझे मिल गया तो आज जो है वो ये मसला हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता काट जाए, हत्ता के खंजीर भी काट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहलाना बातें हैं। तो कहा कि वला ये ततय्यरून और वो बदशगुनी नहीं लेते, वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं कि सब कुछ उसी के इज़्ज़न से, उसके हुक्म से, उसकी मर्जी से होता है। तो कहा मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे और वो इन खूबियों के हामिल होंगे। तो अल्लाह पर तवक्कुल सीख लें तो ये दौलत, ये अजमत और ये सआदत नसीब होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स की मुसीबत को दूर किया, किसी मोमिन की तकलीफ को दूर किया, वो तकलीफ किसी भी कबील से हो सकती है, वो बीमारी थी उसके इलाज में मदद की,
उसने कहीं जाना था, सवारी पे बिठा के ले गया, वो भूखा था उसको खाना खिला दिया, उसकी जवान बच्ची थी और घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही थी, उसने शादी में मदद दे दी। उसकी कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत जिसमें वो फंसा था, उससे उसे निकाला। अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करता है। अगर आप ये चाहें कि मेरी जिंदगी सहल गुजरे, तो लोगों की जिंदगियों को सौखा कर दो। बाज़कात हमारे रवैयों से लोग ओके होते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि बड़ी परेशानियां हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो। तो उसने कहा मैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने कहा कि आपके घर के सामने गली कितनी चौड़ी है? तो वो कहने लगा 12 फुट की गली है। तो मैंने कहा कि आपने जो थड़ा बनाया है वो कितना आपने बनाया? कहता 3 सीढ़ियां। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं है, 12 फुट की गली है, लोगों की बेचारों की कभी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जनाजे भी गुजरते हैं, और तुमने 3 सीढ़ियां उस गली के अंदर रखी हुई हैं, और तुम समझते हो कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तुम लम्हा लम्हा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते हो।